Analyze the continuous beam question, guys. Analyze the continuous beam by using three moment theorem. Okay. So three moment theorem से मुझे solve करना है. Now this is your second question. Hello. हाँ. माता ही blur दिखता है. क्या problem होगा तुम्हें? सारा समझा तुम्हें. Blur है. 1 minute. अभी ब्लर दिसतंय. आता जर संध्याकाळचा वेळ आहे, आताही ब्लर आहे म्हणशील तर कसं होईल? 1 मिनिट, मी रिजॉइन करतोय. 1 मिनिट. अभी 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 बताओ. अभी बताओ प्लीज. हेलो, जरा नेटवर्क प्रॉब्लम ही ना, तरी ब्लर कौन दिखता है? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या ब्लर? रचना? नहीं सर. नहीं सर. नेटवर्क इशू आहे मग त्याचा? नाही नाही, मी ते लिमिट डाटा युसेज वर ठेवून दिलं होतं. हां, आता हे केलं, रिमूव्ह डिसेबल केलं, म्हणून आता आता क्लियर आहे. एक मिनिट सर, क्वेश्चन लिहून टाकतो. Don't go on scale, okay? That figure is not to scale, okay? A, B, C, and D. E, F, G. Okay. So A to B, it is I is different to I. 1 I, 2 I. Okay, that is your second question. Okay, so इसके नीचे आपको जगह काहे के लिए छोड़ना पड़ेगा, guys? For SFB, BMD. Shear force bending moment diagram. हाफ पेज छोड़ा तो भी होगा, या फिर फुल पेज आप छोड़ दो. पहला पेज पूरा का पूरा आप छोड़ दो. Okay, that is your question. Question में आपको क्या दिख रहा है कि each and every support is pin support. बट इंटरमीडिएट सपोर्ट्स मेरे जो भी रहेंगे वहां पे मेरा मोमेंट कैरी होगा. लेफ्ट हैंड मोमेंट एंड राइट हैंड मोमेंट इट इज इक्वल होके वो कैंसिल होगा. लेफ्ट हैंड मोमेंट एंड राइट हैंड मोमेंट अगेन इक्वल होके कैंसिल होगा. एम ए एंड एम डी इट इज जीरो ड्यू टू पिन सपोर्ट. ड्यू टू व्हाट? पिन सपोर्ट. तो यहाँ पे दो अननोन है आपको, एम बी निकालना है और एम सी निकालना है. वैसे अगर डी ओ ऐसा है, अगर आप देखते डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, ओके, तो डी ओ एस आई इट इज इक्वल टू, आप एक पेज पहला पेज आप छोड़ दो काय के लिए? एस एफ डी वी एम डी के लिए. ओके, सो स्टेप वन में अगर मैं फ्री बी एम डी मैं देख रहा, उसके पहले मैं डी ओ एस आई देख रहा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, तो मुझे कितने इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए ये मुझे पता चल जाएगा. So degree of static indeterminacy is equals to R minus R. R it is number of reactions minus number of
इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सो निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, मैं क्या कर रहा हूं, निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट कर रहा हूं, निगलेक्टिंग एक्चुअल. ओके, एक्चुअल मैं निगलेक्ट कर रहा हूं. तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ एक्चुअल निगलेक्ट अगर कर रहा मैं, तो मेरे आर कितने हो गए, आर इट इज इक्वल टू टू. टू कैसी, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इट इज इक्वल टू जीरो, आर इट इज इक्वल टू माई टू. नंबर ऑफ आर, आर इट इज बिग आर इट इज नंबर ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी रिएक्शन, वन टू थ्री फोर. हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आता था, horizontal neglect कर दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4. there are four reactions, two equilibrium equations, यानी कितने हो गए, दो. फिर से बता रहा, देखो okay. यहाँ पे horizontal reaction भी आता और vertical reaction भी आता, एक horizontal reaction एक vertical reaction. तो horizontal reaction जो भी है मेरा, वो मेरा अभी क्या है, मैंने zero कर दिया. क्यों zero कर दिया, because of no horizontal load. एक्सियल डिफॉर्मेशन अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड मेरे पास है ही नहीं, अपलीड ही नहीं आ रहा. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस में देखूंगा. सो इसीलिए मैंने वर्टिकल रिएक्शन, यानी ये मेरा हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट मेरा दो रिएक्शन दे सकता, एक वर्टिकल दे सकता, एक हॉरिजॉन्टल दे सकता. हॉरिजॉन्टल मैंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया. क्यों निगलेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है, इसलिए निगलेक्ट कर दिया. सो अभी नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, चार नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए. दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो गए, कौन से दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो एंड सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, सो स्टेप नंबर टू नाउ. तो आपको इक्वेशंस कितने बनाने पड़ेंगे, जैसे टीएमडी इक्वेशंस कितने इक्वेशंस के लगाना पड़ेगा, दो. लास्ट इसमें कितने डीओएसआई वन था, इसलिए टीएमडी इक्वेशंस एक ही इसमें आपको लगाना पड़ रहा था, अभी यहाँ पे दो बार लगाना पड़ेगा. ओके, तो ये आपका आंसर निकलेगा. स्टेप नंबर टू, फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फ्री बीएमडी, फ्री बीएमडी. सो व्हाट इज माय फ्री बीएमडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस बीम्स. फर्स्ट इट इज माय फ्री बीएमडी जस्ट लाइक दिस. AT into 2 into 4 by 6 W into A into B by L, free body diagram के formulas में हमने देखा है, क्योंकि free body इसके formulas है, formulas मैंने एक पूरा का पूरा मैंने lecture लिया है, उसमें मैंने आपको बताया है. okay, so that is 2 meter, that is 4 meter. okay, how much this part, what is my moment, pehla a b ke liye 106.67 kilonewton into meter. okay, I want cg of this diagram now. So cg of this diagram, that is x bar left, ye mera a ho gaya aur ye mera b ho gaya. लेफ्ट वन हो जाएगा, एक्स बार राइट वन. सो एक्स बार लेफ्ट इट इज इक्वल टू और एक्स बार राइट इट इज इक्वल टू आपको निकालना है. सबसे पहले आपको एरिया मोमेंट निकालना पड़ेगा, ए वन, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाउ मच, थ्री इंटू 320.01 भी बोल सकते हैं आप. x bar left one is equals to l plus a by 3. what is l, l it is 6 plus 2 by 3 यानी 8 by 3 यानी 0.67 यानी ये 2 मीटर से कहीं तो भी इधर है, दैट इज योर सीजी. ये सीजी पे आपका क्या गिर रहा है, एरिया आ रहा है, ए वन आ रहा है,
सीजी पे ए वन आ रहा है, ए वन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एरिया का सीजी कहाँ पे, यहाँ पे 2.67 पे, सो दैट इज योर 2.67। यहाँ पे लिखना है पे, थोड़ा कचरा हो सकता, मैं इधर लिखता 2.67, तो ये 2.67 है, तो x बार लेफ्ट 6 माइनस 2.67 से भी आप कर सकते 3.33 इज नथिंग बट, और आप ऐसे भी निकाल सकते x बार राइट इट इज इक्वल टू l प्लस b बाय 3, 6 प्लस 4 बाय 3, 6 प्लस 4 इट इज नथिंग बट 10, 10 बाय 3 इट इज नथिंग बट 3.33. ओके, सो दैट इज 3.33। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर राइट आपका इतना है तो एल माइनस लेफ्ट भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आपने टोटल लेंथ माइनस ये कर दिया तो एक्स बार राइट निकल जाएगा। ओके, ये कहां से है, ये एंड से, समझे क्या? हाँ ओके, समझे क्या? यहां से सीजी निकाला, यहां से सीजी निकाला। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या था, मेरा सीजी डायरेक्टली कॉमन था, यानी मेरा सेंटर पे था, इसलिए डायरेक्ट सेंटर पे निकला था। ये सेंटर पे है क्या लोडिंग? सेंटर पे नहीं है, इसेंट्रिक लोडिंग है, इसेंट्रिक लोडिंग है, इसलिए इसका जो ए वन है वो ए वन यहाँ पे एक्ट होगा। ओके, और उसका फॉर्मूला एल प्लस ए बाय थ्री एंड एल प्लस बी बाय थ्री, एल प्लस नियरर डिस्टेंस डिवाइड बाय थ्री, ये है एक्चुअली नियरर डिस्टेंस इट इज ए, एल प्लस नियरर डिस्टेंस इट इज बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर फॉर दिस डायग्राम, ये ए वन एक्स बार वन एंड एक्स बार राइट वन, ये हो गया है लेफ्ट वन राइट वन, देन लिया लागत का मग टाइम देशील तू काय म्हणजे आता लियत राहू का कसं? नाही नाही, लिया सोबतच लिया, टाइम कुठे देणार मी? बरं बरं ठीक, टाइम नका, लिहा तुम्ही फटाफट। ओके, टाइम मध्ये भरपूर भरपूर वेळ होऊन जाईल, भरपूर मोठे मोठे क्वेश्चन्स राहतात आपले, दीड दीड तासाचे क्वेश्चन्स राहतात। यहाँ पे सीधे से 10 ऑफर आएगा, हाउ मच हाइट 60 60, लिख लो आप फटाफट, ये मीटर स्क्वायर है। वो लिख के हो जाने के बाद बता दो मुझे, उसके बाद ये कैलकुलेशन देखो।
हो गया क्या? हाँ सर हो गई। अपन तीसरा बीमचा ना काढणार का? बीबीएमडी काढायचा आहे ना, कसा काढशील? पैसे निकालेंगे बताओ। कैसे निकालोगे बताओ आप? निकालना तो थर्ड बीम का भी है। सी है गाइस, जब दो पॉइंट लोड है मेरे पास तब मुझे रिएक्शन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे जैसे मैं मॉस में निकालता था एसएफबी बीएमडी, वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे करना है फॉर जीरो मार्क्स, फॉर जीरो मार्क्स। ओके सो रिएक्शन कैलकुलेशन गाइस, दैट इज आर सी एंड आर डी। Taking moment about C, it is equals to zero. Clockwise taken positive minus RD into 5 plus minus RD into 5 plus 30 into 3 plus 40 into 2 is equals to zero. How much RD? How much RD guys? 34. 3, 4 sorry kill newton three four kill newton taking vertical forces is equals to zero, upar jane wale positive niche aane wale negative, so rc minus 40 minus 30 yani 70 ho gaya plus 34 is equals to zero. RC it is equals to 36. सही है? ये 34 बराबर है क्या? हाँ 90 plus 80 divided by 5 170 divided by 5 करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है। ओके नाउ व्हाट इज बीएमडी? फ्री बीएमडी 34 इंटू 2 36 इंटू 2 सॉरी दैट इज 72। How it is 72? 36 into 2 and this is 34 into 2, that is 68. So that is 1, 2, 3, and 4, four parts of BMD. Okay. Kilonewton into meter. Kilonewton into meter. So 1, 2, 3, 4. A1. A2, A3, A4, A4, what is the area? और एक left लेफ्ट साइड और राइट साइड से एक रेफरेंस पकड़ के एक्स बार लेफ्ट और एक्स बार राइट निकालना पड़ेगा, कोई दोनों में से एक निकालना पड़ेगा। ये भी आते बोलते हैं अभी सीखने के लिए, उतने का तो कुछ ही नहीं है। ओके सो व्हाट इज A1 गाइस? दैट इज 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर। डोंट गो टू द डायग्राम स्केल, स्केल में नहीं है डायग्राम, डायग्राम इट नॉट टू स्केल। ओके
So half of base into height. Fine. Second. Dabba. 72. Yes, it is 72. The next it is 68 into 1. That height into width. 68 into 1. 68. The next half of base into height 68 minus 72 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया ये 4 किलो न्यूटन इनटू मीटर हाइट दिस हाइट 72 minus 68 यानी कितना हो गया 4 हो गया ना गाइस हाँ ओके दैट इज 4 सो दैट्स व्हाई हाफ ऑफ base into height that is 2 second kasa 68 into 1 dabba rectangle rectangle that is dabba for second third kya hai mera ye third hai okay upar ka third hai niche ka dabba hai so half of base into height third wala again half of base into height फोर्थ वाला हाफ ऑफ बेस इनटू 68 ओके हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट रेक्टेंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज एरियाज दैट आर द एरियाज नाउ एक्स बार लेफ्ट अब यहां से लेफ्ट टू थर्ड यहां से क्या है लेफ्ट आए टू थर्ड ऑफ टू ये मैं आरसी इधर लिख लेता आरसी इट इज इक्वल टू 36 देन एक्स बार लेफ्ट टू ये टू थर्ड ऑफ टू यानी क्या हो जाएगा 1.33 ओके टू थर्ड ऑफ टू या 4/3 भी आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ये दूसरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 दिस 2 प्लस 1/2 एक्स लेफ्ट 3 2 प्लस यहां से अगर मैं लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 1 यानी क्या बोल सकता मैं ये जो है इसका सीजी ये 3 point ये 3 है तो यहां से यहां तक का 1/3 रहता है और दैट इज 2/3 यहां से इधर मेरा जो रेफरेंस पकड़ा है मैंने दैट इज इन 2 meter सो 1/3 ऑफ 1 2 प्लस 1/3 ऑफ 1 ओके 2 प्लस 1/3 ऑफ 1 एंड एक्स लेफ्ट 4 कैसी ये 2 meter प्लस 1 meter तो ये 3 meter हो गया तो दैट्स व्हाई 3 प्लस 1/3 ऑफ 2/3 1 प्लस 1/3 ऑफ 2 यानी 2/3 0.66 यानी 3.66 तो 61 बोल सकता मैं 3.61 फिर से बता रहा देखो यहां से 2/3 रहता है 2/3 ऑफ बेस सीजी तो ये 2/3 ऑफ बेस 1.33 फिर ये 2 meter और ये 1/2 ये 1/2 यानी ये टोटल 1 meter विड्थ है तो 1/2 सो 2 meter प्लस 1/2 यानी 2.5 देन नेक्स्ट ऊपर का जब जाएंगे तब 2 meter ये वाला यहां से आया था 2 meter देन 1/3 इसका सीजी यहां से 1/3 ऑफ 1 2 इनटू 1/3 ऑफ 1 2 इनटू 1/3 ऑफ 1 यानी 2.33 एंड लास्ट इट इज एक्स लेफ्ट 4 3 प्लस 1/3 ऑफ 2 यहां से यहां तक 3
प्लस यहाँ से यहाँ तक वन थर्ड ऑफ टू ओके यानी 3.667 ओके दैट इज कंप्लीट। Can I raise this part? Yes, sir. लिख लो अभी आपको नहीं समझाऊंगा तो आप पूछ सकते प्लीज मेन यही चीज है इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होके खत्म कर देंगे अपन इसको इतने सारे टॉपिक्स लेने से बेटर है आपको कंसेप्ट समझने को ना कंसेप्ट मेन है एकासाठी एवढं काढायला लागलं ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन छोटे दिखते छोटे है नहीं लास्ट क्वेश्चन छोटा था आता एरियासाठी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करावं लागलं यस एडिशन ऑफ ऑल द एरियाज इट इज टोटल एरिया 4 सॉरी एरिया 3 ओके हो गया लिख के श्रावरी समझता है का हाँ सर समझता लास्ट लेक्चर बघून घेशील कालचा हो गया लिख के जाऊ मैं सामने या फिर होने का झालं झालं ओके व्हाट इज टोटल एरिया 3 देखो दैट 68 प्लस 68 प्लस 2 प्लस 72 210 210 किलो न्यूटन इनटू मीटर व्हाट इज x4 लेफ्ट नाउ x3 लेफ्ट नाउ सो प्लीज सी हियर x बार 3 लेफ्ट या फिर लेफ्ट 3 हाउ a1 x1 प्लस a2 x2 लेफ्ट 2 भी बोल सकता मैं लेफ्ट में बाहर निकाल लिया ऐसी पकड़ लो प्लस a3 x लेफ्ट 3 लेफ्ट लेफ्ट
प्लस ए फोर एक्स लेफ्ट फोर डिवाइड बाय टोटल एरिया ए थ्री. सो ए वन 72 इंटू 1.33 प्लस 68 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 2.33 प्लस 68 इंटू 3.67 ये ए टू निकाला था क्या आपने? टू थर्ड ऑफ बेस इनटू हाइट. हाँ हाँ. कितना निकला था? 160. ओके 160 लिख लेना है. डिवाइड बाय ए थ्री इट इज 210. तो ये एक्स लेफ्ट 3 हो गया आपका. एक्स बार अब राइट 3 इट इज इक्वल्स टू L माइनस x बार लेफ्ट 3. सॉरी व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर गाइस? आराम से निकालो, घाई नहीं है अपने क्वेश्चन. आराम से निकालो. 2.48 2.48 मीटर. आंसर 2.52. दैट इज 2.52 मीटर. सो नाउ आवर सेकंड स्टेप इट इज ओवर. सेकंड स्टेप इट इज ओवर. आपको क्या निकालने के लिए आ सकता अगर आपका ये है यानी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको क्या निकालने के लिए आ सकता? आपको ये निकालने के लिए आ सकता एक्स बार लेफ्ट एक्स बार राइट निकालने के लिए आ सकता. टीएमडी में अगर उनको देना है, उनको ऐसे देना है, चैलेंजेस देना है कि क्वेश्चन देना है जो नेट पे ना मिल सके, तो वो बोलेंगे कि व्हाट इज द ए वन एंड एक्स वन, व्हाट इज द एरिया ऑफ टीएमटी डायग्राम ऑफ फ्रेम सॉरी बीम सीडी. वो बोल देंगे सीधे सीधा आपको, बाकी कुछ भी नहीं. अब टीएमटी डायग्राम अब किसको पता है? जिसने टीएमटी किया है उसको ही पता है. तो फिर आपको सोचना पड़ेगा हाँ टीएमटी में हमने ये निकाला था थ्री मोमेंट थ्योरम में, तो थ्री मोमेंट थ्योरम में मैंने ये पूरा निकाल लिया. ये पूरा निकालने के बाद मुझे पता चल रहा हाँ ठीक है कि हाँ हो रहा करके ये टीएमटी इस तरह मुझे निकालना है ये पूरे लेके, और इस तरह मैं पूरा ए थ्री निकालूंगा और एक्स बार लेफ्ट या फिर एक्स बार राइट में निकालूंगा. तो ये पूछ सकते हैं आप. ओके ये पूछ सकते डी ओ एस आई भी पूछ सकते. ओके यानी विदाउट क्या है आपको ये तो आपको इस पे मिलने से कहा गूगल पे, क्योंकि गूगल पे कैसे मिलेगा? टोटल रेडीमेड क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा. अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन रहेंगे, तो वो एक आधी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वहां पे डाल देंगे उसका आंसर तीन चार. और इस पे ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क के लिए या फिर ऐसी नहीं रहेगा, ये 3-4 मार्क क्वेश्चन के सिक्वेंस में रहेगा. पहला ए वन बताओ, ए टू बताओ, ए थ्री बताओ, एक्स बार लेफ्ट बताओ, लेफ्ट वन बताओ, एक्स बार लेफ्ट टू बताओ. ओके ये आपको पूछेंगे डायरेक्टली, यानी इस तरह का एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे. ओके तो वो किसको आएंगे? सिर्फ और सिर्फ जिसने किया है उसको आएंगे. ओके नेक्स्ट. अभी टीएमटी अप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 बार. क्यों? क्योंकि मेरी डीओएसआई कितना है? 2 है. इसलिए जितना डीओएसआई डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी जितने नंबर ऑफ अननोन्स आपके जितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उससे ज्यादा रहेंगे उतना मुझे टीएमटी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, उतने बार मुझे टीएमटी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा. ओके उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, अपन क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर भी. स्टेप नंबर थ्री टू फाइंड रिएक्शन
sorry, to find moment MB and MC apply TMT three moment theorem equation first. Apply TMT equation. For beam A, B, C. हरदम याद रखना तीन सपोर्ट्स आने को तो ये थ्री मोमेंट होगा. तो थ्री सपोर्ट्स मीन्स ए बी सी अभी आ गया पहला ए बी सी, दूसरा रहेगा बी सी डी. ओके तो पहला ए बी सी आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी सी को निकाल डालो यानी लिख लो ऐसे दैट ए बी एंड सी. ए बी का मेरे को क्या लेना है, एक्स बार लेफ्ट लेना है, एक्स बार लेफ्ट वन लेना है. सी बी का मुझे क्या लेना है, एक्स बार राइट वन लेना, राइट लेना यानी एक्स बार राइट टू हो गया, एक्स बार लेफ्ट वन हो गया. ओके एल वन कितना है मेरा, सिक्स मीटर है, और आई वन कितना है मेरा, टू आई है, ये कितना है फोर मीटर है, आई कितना है सिंपली आई है. ओके ये मैंने लिख लिया. नाउ मूव टू द फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूले के लिए चले जाते हैं. सो क्या है फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज टीएमटी फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में देखा अपन ने अभी, व्हाट इज टीएमटी फॉर्मूला, व्हाट इज इनटू एल एल1 बाय आई1. यस एग्जैक्टली, यहां पे एमए है, सो एमए इनटू L1 by I1 plus twice of MB. Twice of MB क्यों, कि इधर भी MB रहेगा, इधर भी MB रहेगा, इसलिए 2MB. सेंटर वाला 2 रहेगा. ओके 2MB plus L1 by I1 plus L2 by I2 plus MC into L2 by I2. It is equals to minus 6 into A1 x left 1 bar divided by L1 I1 minus 6 into A2 x bar right 2 क्यों, ये right 2 है, L2 I2 लिख लो, that is formula, put the value, get the answer. एम ए जीरो रहेगा, क्यों जीरो रहेगा, एंड पिन सपोर्ट है इसलिए जीरो रहेगा. ऊपर आप लिख लो, आपके स्क्रिप्ट में लिख लो, एम ए इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ एंड हिंज सपोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई कहाँ से होगा, ट्वाइस ऑफ एम बी से होगा. एम सी रहेगा क्योंकि एम सी इंटरमीडिएट है तो वो निकलेगा. तो इक्वेशन बनेगा मेरा ट्वाइस ऑफ एम बी एल वन सिक्स I1 2I plus 4 by I plus MC into 4 by I is equals to minus 6 into A1. What is A1 guys? A1 X1? ये वाला नहीं, जो अपन ने पहले पहले मोमेंट का डायग्राम बनाया था, x1 लेफ्ट 320.01 320 ही पकड़ता मैं, 0.01 ठीक है, 320 ही पकड़ो उसको, 0.01 इट इज नेग्लिजिबल इनटू 2.67 यस 2.67 2.67 मीटर पे था. ओके सीजी उसका 2.67 x bar left ना, हाँ हाँ, ओके 2.67 divided by L1 L1 it is 6 I1 into 2.67 2 अच्छा again minus I1. Minus 6 into how much A2 120 160 into 2
यहाँ पे x बार लेफ्ट और x बार राइट सेम था इनटू 4 डिवाइड बाय सब जगह से आई गेट कैंसिल 2 रहेगा वो. ओके अभी बचाओ इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या आता एम बी और एम सी के और ये मैं इरेज करूँ क्या मुझे बता दो ये मैं इरेज कर सकता क्या मुझे बता दो. यस सर. ओके सॉरी सबसे पहले आप वो बता दो वो क्या इक्वेशन आता दैट 3 + 4 7 7 × 2 14 ना 14 MB आई गेट कैंसल आई यहां से भी कॉमन निकाला उधर से भी कॉमन निकाला गेट कैंसल लेकिन आई के साथ जो 2 आएगा वो तो कैंसिल नहीं हो रहा. That's why 6 by 2 it is 3. 3 + 4 it is 7. 7 × 2 = 14. Okay. The next 4 MC + 4 MC it is equals to minus. Value batao. 6 × 320 × 2.67 divided by 12. Minus. Minus mein hi hai wo bhi value. Again minus. Minus 6 into 2. 907.2. दोगांची एडिशन ना हाँ दोगांची माइनस 907.2 दैट इज फर्स्ट इक्वेशन या फिर मैं इसको ए बोल देता ए इक्वेशन नंबर ए द नेक्स्ट सेकंड अप्लाई 3 moment theorem equation for beam B, C, D. B, C and D. B, C, D. 3 support आने को ही हो ना तो ही 3 moment आएगा. So यहां से यहां तक x bar left 2 x bar right 3 that is 4 meter 5 meter I 2 I mb hai ye mb into I by l So, sorry, MB into L2 by I2. L by I2. It is I plus twice of MC. L2 by I2 plus L3 by I3 plus MD into. L3 by I3 is equals to minus 6 into A2. What is A2? A2 it is 160 into 2. X bar left, right, dono same. Into 4 into I. Kyunki I aapka I2 aapka I hi hai. Okay. Again minus 6 into. What is total area? Total area is 210.
into x bar right, x bar right 3, right 3 it is 2.52. Divided by L into I2, twice I, that is x bar right 3, x bar left 2, A2, A3. Okay, so that is 4 MB, I get cancelled. सिर्फ कांस्टेंट रहेंगे उसके जो 2 इनटू हो रहा 1 इनटू हो रहा है दैट एमडी आल्सो कैंसिल व्हाई दैट इज इन सपोर्ट पिन सपोर्ट दैट्स व्हाई कैंसिल सो एमबी 4 एमबी प्लस 4 प्लस 2.5 6.5 इनटू 2 13 एमसी It is equals to batao. Fast ho raha kya? Nahin. Bahut easy method hai. One thousand one hundred fifteen point zero four. Okay, that is second equation, B equation. That A equation and B equation equate kar do. You have a two unknowns and two equations. Solve. What is MB? By solving equation A and B, we get MB and MC. What is MB and MC? Equation 2 and equation, then equation A or equation B se aap directly solve kar sakte guys. अब आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये तो मुझे बताने को नहीं होने का मैथमेटिक्स से ये कोई भी एक वैल्यू को आप ये कर सकते यानी अगर मैन्युअली सॉल्व करना है आपको तो 14 इंटू 4 4 इंटू 14 करके आप डायरेक्टली एमबी एमबी को कैंसिल करके एमसी की वैल्यू निकाल सकते या फिर 13 इंटू 4 यहाँ पे 13 इंटू 4 हो जाएगा और यहाँ पे 13 को भी 4 से इंटू कर देंगे और 4 से भी 44 को इंटू कर देंगे तो भी आपका एमसी एमसी भी कैंसिल हो सकता है वो करके आप एमबी की एक वैल्यू निकल जाती देन एमबी की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दी तो एमसी की वैल्यू निकल जाती मैन्युअली बाय इक्वेशन डायरेक्टली आपको फॉर्मूला है मैन्युअली इसलिए निकालने के लिए बोल रहा मैं दिस कैलकुलेशंस गोज इन गेट आल्सो दैट्स व्हाई How much?
अरे और एमबी और एमसी बता दो बस सर। डायरेक्ट कैल्सी में भी डाल सकते हैं ना? ऑब्वियसली डायरेक्टली कैल्सी इक्वेशन। सो एमबी इज इक्वल टू -44.177 एंड एमसी इज इक्वल टू -72.17। 44.177 किलो न्यूटन इनटू मीटर एंड एमसी इट इज इक्वल टू -72.17। ओके एसएमडी बीएमडी ट्राई करो, कल बता था मैं इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि इसको भी नियर अबाउटली 1 आवर कल आपने देख लिया लास्ट लेक्चर में, नियर अबाउटली 1 आवर लगेगा। आप ट्राई करो एसएफडी और बीएमडी इसका, आपको अगर जम गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जमा तो कल अपन देख लेंगे, बिकॉज ऑफ इट टेक्स अगेन 1 आवर। ओके आपके फ्रेंड्स लोगों को बताओ, कंटिन्यू बैक स्टार्ट हो गई है, आपको समझ